कराची से हमें मैंडेट मिला सन 70 में। लोग तो कहते हैं कि पूरा शहर ही जमात के पास था, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि शहर में दो लोग जमात इस्लामी के मेंबर बने थे, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब और महमूद आजम फारूकी साहब। और फारूकी साहब का भी केस चलता रहा था, मेरे ख्याल में कभी वो होते थे कभी वो उकाड़वी साहब होते थे। तो डेढ़ मेंबर थे हमारे, इन डेढ़ मेंबर्स ने इतना बड़ा काम किया और ऐसा तासुर बनाया और ऐसी पार्लिमानी सियासत की और ऐसा लोगों को जमा किया और इतना मुल्क को दस्तूर दे दिया, आइन दे दिया, बड़े बड़े काम उस असम्बली ने किए इन लोगों की बुनियाद पर। उसमें की रोल जो प्ले कर रहे थे वो प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद थे, कि लोगों का इम्प्रेशन ये बन गया कि कराची तो जमात इस्लामी का है। और उस इम्प्रेशन का फ़ायदा ये हुआ कि अब्दुल सत्तार अफगानी साहब भी मेयर बने, और वो भी जो है वो सादा अक्सरियत से मेयर नहीं बने थे, दोनों मरतबा वो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ इश्तराक अमल करके मेयर बने थे। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी उधर पार्लियामेंट में, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद की परफॉर्मेंस और बल्दियात में अब्दुल सत्तार अफगानी की परफॉर्मेंस, इन दोनों ने मिलकर ये तासुर बनाया कि ये शहर जमात का शहर है। हाँ, ये ज़रूर है कि यह शहर मजहबी जमातों के हवाले से हमेशा बड़ा रिच रहा है, क्योंकि इस शहर की फितरत के अंदर मजहब पसंदी है, दीन पसंदी है, और लोग बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि हम दीन के साथ वाबस्ता रहते हुए ही कोई काम कर सकते हैं।